सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का पैसेंजर डिटेल ऑलरेडी फिल है, यानी कि यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों होली आने वाले हैं, इन दिनों तत्काल टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को IRCTC की वेबसाइट से फास्ट तत्काल टिकट आप लोग किस प्रकार बुक कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं यहां पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसमें आप लोग पर्सनल डिटेल यानी कि पैसेंजर का नाम पहले से ही सेव करके रख सकते हैं और बैंक डिटेल भी पहले से ही आप लोग सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा तत्काल टिकट बुक करने के लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं PC के होम स्क्रीन पे। इसके बाद सिंपल आप लोग करना क्या है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो 1 से 1.5 घंटे पहले आप लोगों को मास्टर लिस्ट बना लेना है। तो आप लोग कैसे बना सकते हैं मास्टर लिस्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग IRCTC लॉगिन करना है। तो मैं सिंपल मैं IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर चुका हूँ। सिंपल आप लोग को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को मास्टर लिस्ट बनाना है। मास्टर लिस्ट कैसे बनाना है, सिंपल यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है एड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम फिल करना है, जो भी आप पैसेंजर का नाम है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट करना है। जब भी आप बर्थ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नो कोच पेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको फूड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरह से आप लोग मास्टर लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो एक साथ आप लोगों को 2 ही नाम बुक करना है, क्योंकि सीजन के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए 4 नाम या 3 नाम बुक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस तरह से आप लोग मास्टर लिस्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मास्टर लिस्ट बना के रख चुका हूँ। इसके बाद मास्टर लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को करना क्या है, सिंपल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ट्रेन पे क्लिक करना है, इसके बाद माई बुकिंग पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप लोग मास्टर लिस्ट बना लेंगे तो लॉगिन किस टाइम करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे AC हो या फिर स्लीपर हो, तो आप लोगों को यदि आप IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आपको 2 से 2.5 मिनट पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पहले फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के मैं न्यू दिल्ली टू मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर, फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे जेंडर कोटा या फिर तत्काल कुछ भी सेलेक्ट करके रख लेना है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग स्टेप बाई स्टेप समझ सकते हैं। यदि आप स्किप करते हैं तो वीडियो आप सही तरह से समझ में नहीं आएंगे। जो भी आपको ट्रेन में टिकट बुक करना है, सिंपल स्लीपर या AC में क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है ट्रेन, इसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करना है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। 2 मिनट पहले आप लोग को ये प्रोसेस कर लेना है। इसके बाद आपको जो भी पैसेंजर डिटेल है यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी पैसेंजर डिटेल है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आप लोग को सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एरिया पिन कोड डालना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस जो आप लोगों को करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो 2 मिनट पहले ही प्रोसेस आप लोगों को हो जाना चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को AC टिकट बुक कर रहे हैं या फिर स्लीपर बुक कर रहे थे, यानी कि आपको 10 बजने से यानी कि 1 मिनट पहले ये प्रोसेस आप लोगों को हो जाना है। इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो फिर से आपको एक बार बैक करना है, बैक फिर से करना है। फिर से मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसके बाद हमें फिर से एक बार बैक कर लेना है। इस पेज पे आप लोगों को फाइनली यदि AC टिकट बुक करते हैं या फिर स्लीपर टिकट बुक करते हैं तो 15 से 20 सेकेंड तक पहले यहाँ पर आपको पहुँच जाना है। एग्जाम्पल के मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको AC का टिकट अगर 11 बजे बुकिंग होता है, यदि AC का टिकट 10 बजे बुक होता है तो आप लोगों को बैक होने के बाद यहाँ पर यानी कि 20 सेकेंड 25 सेकेंड पहले इस पेज पे आपको आ जाना है फिर से। जैसे कि आप मैं एक एग्जांपल नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर फिर से आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें जिस डेट को टिकट बुक करना है फिर से हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है 11 तारीख। इसके बाद हमें यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करना है तत्काल।
तत्काल कोटा सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ सर्च टाइम पे किस टाइम क्लिक करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर एसी टिकट बुक करते हैं तो 10:02-03 पर आपको सर्च टाइम पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च टाइम पे क्लिक करेंगे तो इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे सीट शो कर देगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का पैसेंजर डिटेल ऑलरेडी फिल है, यानी कि यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। इसके बाद सिंपल आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, फटाफट आपको फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो भी एरिया पिन कोड है पिन कोड डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पे आपको ये फिल करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर डिटेल ऑलरेडी पहले से ही फिल था। इसके बाद आप लोग यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक साथ आपको दो ही नाम बुक करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग में सेलेक्ट करता हूँ, SBI सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं पे टू बुक पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पे टू बुक पे क्लिक कर चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। कोशिश कीजिए जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे पेटीएम या फिर फ़ोनपे यूज करें। अब मैंने SBI यूज किया हूँ तो देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से फिल है। तो सिंपल हम यहाँ पे कैप्चर फिल करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा। OTP हम फिल करेंगे। जैसे ही OTP फिल करेंगे तो हमारा टिकट कन्फर्म बुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी प्लान वाइज जोनी पहले से ही सेलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल मेरा ऑलरेडी पहले से ही फिल था। इसके बाद पेमेंट मेथड यानी पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ सब कुछ मेरा ऑलरेडी पहले से फिल है। पेमेंट आपको पहले से फिल करने के लिए सिंपल करना क्या होगा, यानी कि 1-2 घंटा पहले तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट पे आपको लास्ट पेमेंट पे आ जाना है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपको ब्राउजर में सेव करने के लिए। सिंपल यहाँ पे ब्राउजर में आप यहाँ से सेव कर लेना है। जैसे ही सेव कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे फिल होगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे पैसेंजर एक इस तरह से आप लोग अकाउंट डिटेल पहले से सेव करके रख सकते हैं। पैसेंजर डिटेल कैसे सेव करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और प्लान वाइज जोनी आप लोगों को कैसे पहले से आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। यदि आप इस तरह से IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करते हैं और ATRIC का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा तत्काल टिकट कन्फर्म बुक होने में। तब आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।